हेलो माय आसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल क्लास इन मैथ्स का। सीबीएसई ने 2023 और 24 के लिए अपनी वेबसाइट पर एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया था। हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम सेक्शन नंबर ए, बी और सी के कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं और अब बारी है हमारे सेक्शन नंबर डी को सॉल्व करने की। ठीक है, तो सेक्शन नंबर डी का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मनु एंड आयजा आर कम्पीटिंग इन अ 60 किलोमीटर साइकिल रेस। देखो, जो आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन अपने थर्ड चैप्टर में किए हुए हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में ऐसे आपके दो क्वेश्चन ऐड ऑन किए हैं। एक हमने सेक्शन सी में डिस्कस किया था और अब हम एक सेक्शन डी में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देन आयजाज एवरेज स्पीड इज 10 किलोमीटर ग्रेटर देन द मनुज एवरेज स्पीड। देखो, दो लोगों की स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, दो लोगों की स्पीड में कुछ हमें रिलेशन बताया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्चुअल स्पीड तो दोनों की ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि मनु की जो स्पीड है वो कितनी है हमारी, x किलोमीटर पर। ठीक है, तो आयजा की स्पीड कितनी हो जाएगी, आयजा की स्पीड उन्होंने कितनी बोली है, आयजाज स्पीड इज 10 किलोमीटर मोर देन द मनु स्पीड। मनु की स्पीड से 10 किलोमीटर ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो अगर मैं इसमें 10 प्लस कर दूंगी तो ये मेरे पास किसकी स्पीड आ जाएगी, आयजा की स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी, ओके जी। अब दोनों का हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मनु के लिए टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, मनुज टाइम। टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 60, डिवाइड बाय स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर। ऐसे ही जो आयजाज का टाइम आएगा, आयजा का टाइम हमारे पास कितना आ सकता है, दैट टाइम इज इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड देन डिस्टेंस कितना है हमारा 60, डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है आयजा की, आयजा की स्पीड है x प्लस 10। ठीक है जी, आई बात समझ, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड शी फिनिश द रेस इन हाफ आवर लेस देन द मनु। आयजा ने क्या किया, मनु से हाफ आवर कम में वो रेस कंप्लीट कर ली। मतलब कहने का क्या हुआ कि सपोज करो आयजा ने इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, इस रेस को कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स लिए, तो मनु ने कितना टाइम लिया, मनु ने टाइम लिया 8 and 1/2 hours, क्योंकि उसने कहा है कि आयजा ने हाफ आवर कम लिया देन मनु। मतलब आयजा, मतलब अगर मनु के टाइम में से हम आयजा का टाइम माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। क्या करना है हमें, दोबारा से देखो, मनु के टाइम में से आयजा का टाइम माइनस करना है। मनु का टाइम कितना है 60/x, इसमें से किसका टाइम माइनस करना है, आयजा का। तो आंसर किसके इक्वल आएगा हमारा, 1/2 के। ठीक है जी, ओके। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। x इंटू एक्स प्लस 10 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, एंड देन यहाँ से कितना आएगा, 60 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 60x। ओके जी, सो मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट की, 60x प्लस 600 माइनस 60x डिवाइड बाय x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, देन x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो 60x से 60x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 अब हमारे पास इस 600 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हमारी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, यहाँ से क्या आई है, 1200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। सो अब अगर आप इस 1200 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये 1200 हमारा बन जाएगा माइनस का 1200। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसके अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 40x माइनस 30x माइनस 1200, राइट। सो यहाँ से 0 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 40, और इन दोनों में से हम 30 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 40। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आपने अच्छे से सीखा हुआ है। देन अब इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 40 इंटू x माइनस 30।
ठीक है जी। सो अब हम क्या करते होते हैं, एक बार हम x प्लस 40 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, एक बार हम x माइनस 30 को। सो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास माइनस 40, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 30। और x क्या मानी थी हमने, मनु की स्पीड मानी थी हमने x किलोमीटर। तो क्या कभी भी स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स ये आंसर गलत है। हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 30। 30 क्या आई है, उसकी स्पीड आई है। बट आंसर उन्होंने क्या पूछा है हमसे, उन्होंने पूछा है मनु का टाइम पूछा है, मनु को कितना टाइम लगा। ठीक है, तो मनु का टाइम कितना है हमारा 60/30। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आवर्स। मतलब मनु को कितना टाइम लगा हमारा, 2 आवर्स लगे उस रेस को फिनिश कर। ठीक है जी, बात समझ में आई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। इसमें उन्होंने क्या बोला है, शोन बिलो इज अ क्यूबॉइड विद वाटर इन टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस। दो क्यूबॉइड हैं, दोनों में हमारे पास वाटर है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर डिफरेंट। लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो क्यूबॉइड की कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, द क्यूबॉइड हैज 480 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये हमें उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, सो दैट मीन्स ये हमें क्या दिया है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है। राइट, देन इफ हाइट ऑफ वाटर इन ओरिएंटेशन टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने कहा है कि ओरिएंटेशन टू में जो वाटर की हाइट है, ओरिएंटेशन टू में जो वाटर की हाइट है वो हाफ है किससे, वाटर की हाइट इन ओरिएंटेशन वन में। मतलब अगर इसके पास हमारे पास 10 मीटर हाइट है वाटर की, तो यहाँ कितनी है हमारे पास वाटर की हाइट, 5 मीटर है। ठीक है, ओरिएंटेशन टू में हाफ है। राइट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन बोथ द ओरिएंटेशन। हमें हाइट निकालनी है। सो लेट अस सपोज कर लेते हैं कि हाइट जो है वो हमारी ओरिएंटेशन वन की कितनी है, ओरिएंटेशन वन की जो हाइट है वो हमारी है h सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी ओरिएंटेशन वन हमें उन्होंने दी हुई है फिगर में, उसकी जो हाइट हमने लेट कर ली कितनी, h सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। राइट, मतलब कहने का क्या है कि टोटल हाइट हमारी h है, और जो वाटर है ना, वाटर सिर्फ इस लेवल तक प्रेजेंट है, इतने टोटल h है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर कितना हो गया ओरिएंटेशन वन में, हो गया हमारे पास h माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब उन्होंने ओरिएंटेशन टू में क्या बोला है, हाइट ऑफ वाटर इन ओरिएंटेशन टू। ओरिएंटेशन टू में उन्होंने हाइट क्या बोली है हमें, उन्होंने हमें बोला है ये दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वाटर इन ओरिएंटेशन वन। हाफ बोली है, मतलब अगर यहाँ 10 है तो यहाँ कितनी है, 5 है, उसको हमने 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। राइट, देन हमारे पास हमें वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो 480 इज इक्वल टू, लेंथ दी हुई है हमें 5, ठीक है, और ये हमारी h है, और हाइट ऑफ वाटर हमने कितनी निकाली है, 1/2 इंटू एच माइनस 4। राइट, सो अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 96, देन इस 96 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपके बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं, आप ये बहुत इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो। जो मेन कॉन्सेप्ट था समझने का वो ये था कि हाइट हमने कैसे निकालनी है। सो एच इज, सो यहाँ से क्या गया, 192 इज इक्वल टू, एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर, एच को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 4h। सो यहाँ से 0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 4h, ये 192 प्लस का है, इधर जा करके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, राइट, देन 0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसके जब आप फैक्टराइजेशन करोगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके, तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, माइनस 16 और प्लस का 12, एच माइनस 192। कर दो आगे ख़त्म क्वेश्चन को, बस इन दोनों में से कॉमन लो h इंटू एच माइनस 16, देन इन दोनों में से कॉमन लो 12, आपका इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा h माइनस 16। नाउ अगेन क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, अगेन कॉमन लेंगे, h माइनस 16 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, h प्लस 12।
सो इसके बाद क्या करते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, एक बार हम h माइनस 16 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, एक बार h प्लस 12 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे. सो ये वैल्यू माइनस की है इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर के किसकी हो जाएगी, प्लस की. ये वैल्यू प्लस की है इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर के किसकी हो जाएगी, माइनस की. तो हाइट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये तो हो गया नेगलेक्ट. और जो ये वाली वैल्यू आ गई, ये हमारी कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर. मतलब पूरे ओरिएंटेशन वन की पूरी हाइट जो है वो 16 आई. हमें इतनी हाइट निकालनी है वाटर की हाइट, तो 16 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 सेंटीमीटर. एंड देन यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका क्या करना है, हाफ करना है ओरिएंटेशन 2 का. मतलब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर. समझ आई बात, ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर. देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है. तो सीबीएसई ने अपने सॉल्यूशंस में जो स्टेटमेंट मिसिंग है, जिस बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहाँ से मैंने थोड़ी सी दो वैल्यूज और एड ऑन की हैं, सो दैट कि हम इस क्वेश्चन को समझ पाएँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है. क्वेश्चन पेपर में मिसिंग है, ये जो दो वैल्यूज हैं ये हमने सॉल्यूशन में से ली है, राइट. देन इन द फिगर शोन बिलो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. मे बी जो ये ए सी है ये भी हमारी गलत हो सकती है वैल्यू, ये भी आई थिंक 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, बट ठीक है, इस वैल्यू को हमने यूज नहीं करना, तो इसको एज इट इज रखते हैं. देन पी टी इज पैरेलल टू ए बी एंड एस आर इज पैरेलल टू बी सी. हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका, पी क्यू आर का, इस छोटे वाले ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड आउट करना है. अच्छा, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है. 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा, बेस है यहाँ पर क्यू आर, और हाइट कितनी है हमारे पास, पी क्यू. अगर हमें ये दोनों डायमेंशंस पता चल जाएं, क्यू आर और पी क्यू, हमें पता चल जाए क्यू आर और पी क्यू, तो हम निकाल सकते हैं हाइट, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट. सो सबसे पहले देखो इसके अंदर इस ट्राइंगल की ये वाली दो साइड्स तो हमें चाहिए, तो सबसे पहले अगर मुझे पी आर फाइंड आउट करना हो, पी आर, ये छोटे वाला पी आर, ये किसके इक्वल होगा, पी सी में से सी आर को माइनस कर दें, तो यहाँ पे क्या आ गया, पी सी माइनस सी आर. पी सी की वैल्यू कितनी है, 50/3, और सी आर कितना है हमारा, 10 है, ठीक. सो इस चीज़ को जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो 50 - 30 दिस इज इक्वल टू, आंसर कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर. मतलब जो ये वाली साइड है हमारी पी आर, ये कितनी आ चुकी है, 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है. अब आपको क्या दिख रहा है कि जो ये क्यू आर है ये टी सी के पैरेलल है, ठीक है. तो हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी हुई है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है और वो ट्राइंगल को, इस पूरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, पी टी सी ट्राइंगल में इसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है. मीन्स पी क्यू बाय क्यू टी जो है वो किसके इक्वल होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से पी आर बाय सी आर के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, कि जो ये वाली साइड है, ये थर्ड साइड, ये वाली साइड क्या हुआ, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल है और ये यहाँ पर इसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर. तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि ये बाकी दोनों लाइंस को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो वही हमने लिख दिया, पी क्यू बाय क्यू टी इज इक्वल टू पी आर बाय आर सी, ठीक है जी, ओके. सो पी क्यू, पी क्यू हमें अभी नहीं पता, इसको पी क्यू ही रहने देते हैं. क्यू टी उन्होंने हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. पी आर हमने कितना निकाल लिया है, 20/3 इंटू सी आर. सी आर कितना है हमारे पास, सी आर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, राइट. सो ये 8/2 के साथ इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/2 से 16/3 सेंटीमीटर. तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16/3. अच्छा, ये आ गई है 16/3 और पी आर आ चुकी है हमारे पास 20/3. तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ये वाली साइड क्यू आर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है, 20/3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 16/3 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है. सो स्क्वायर खोलो, स्क्वायर खोलेंगे 400 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 250. 6 डिवाइड बाय 9, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ये इधर जा करके
माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब माइनस कर दो इन दोनों वैल्यूज को, हमारे पास आएगा 10 माइनस 6 4, देन 9 माइनस 5 4, 3 3 माइनस 2 1, 144 बाय 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट सॉल्व कर दो ऊपर का भी और नीचे का भी, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो हमारे पास जो बेस है वो कितना आ गया 12 बाय 3 सेंटीमीटर। डन, देन एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब क्या हुआ और हाइट मतलब पी क्या हुआ, तो कितनी कितनी निकली है लिख दो, जो ये क्या हुआ है ये हमारा बेस था, ये कितना फाइंड आउट किया है हमने 12 बाय 3 इंटू पी क्यू, पी क्यू कितनी फाइंड आउट की थी हमने 16 बाय 3, सो 2 6 था 12, 3 2 था 6, सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 16 इंटू 2 हो गया 32 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा आपको कम गिवन है, सो बिना डेटा के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ये डेटा जो है सॉल्यूशन में से मैंने चेकआउट करके आपको बता दिया है कि ये एक्स्ट्रा डेटा आपको ऐड ऑन करना है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में उन्होंने देखो क्या बोला है, टू रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ डायमेंशन 45 इंटू 155, दो रेक्टेंगुलर शीट्स हैं, एक की लेंथ 45 और एक की लेंथ हमारी 155 है, ठीक है। आर फोल्डेड टू मेक टू होलो सिलेंड्रिकल पाइप्स, इनको फोल्ड किया है सो दैट कि हम एक पाइप बना सके, इसे रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे फोल्ड कर दिया इसके ऊपर एक, सच दैट एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ ओवरलैप व्हेन स्टिचिंग द एंड्स ऑफ द पाइप, जब हम एंड्स को स्टिच करेंगे ओवरलैपिंग करने के बाद जो उसके एंड्स बनेंगे उसको जब हम स्टिच करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट हो जाएगा। देन शीट 1 इज फोल्डेड अलॉन्ग इट्स लेंथ, इसको हमने इसकी लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड किया है, एंड शीट 2 इज फोल्डेड अलॉन्ग इट्स विथ, और शीट 2 जो है उसको हमने विथ के अलॉन्ग फोल्ड किया है ऐसे करके, फाइंड द डिफरेंस इन कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ, मान लो अगर मैं फर्स्ट फिगर का एरिया निकाल रही हूँ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो इसको जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो यानी कि मेरी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 155, और जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा 155 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तो जो हमारा ये जो लेंथ बन, जो हमारी ब्रेथ बनेगी, जो वेस्ट हो रही है वो कितनी बनेगी हमारी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने 1 सेंटीमीटर बोला है ना, तो हमारा ये एरिया किसका आ गया, फर्स्ट में जितना हमारा ओवरलैपिंग में एरिया वेस्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकेंड का एरिया भी निकालें हम, जो हमारा वेस्टेड एरिया है वो कितना निकलेगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 45 इनटू ब्रेथ कितनी है 1, तो ये कितने आ गए हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के एरिया का जो डिफरेंस आ जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट माइनस एरिया ऑफ सेकेंड, ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 155 में से किसको माइनस कर देंगे हम 45 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों के एरिया का डिफरेंस आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, अब हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो V1 / V2, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये R1 R2 जो है वो मैंने ये डिनोट करने के लिए लिया है कि ये फर्स्ट का है और ये हमारा सेकेंड का है, ओके। सो अब हमारे पास दोनों की हाइट तो है लेकिन दोनों की रेडियस नहीं है, तो पहले क्या करते हैं दोनों की रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस क्या होती है, 2πr1 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, मतलब जो हमारा सिलेंडर का सर्कल बनेगा ऊपर वाला उसकी जो सर्कमफ्रेंस बनेगी वो हमारी ये कितनी बनेगी 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू R1 इज इक्वल टू 44 से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 जो है वो मेरा बन जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 2πr2 इज इक्वल टू, अगर हम दूसरी फिगर की बात करें इसके अलॉन्ग फोल्ड कर रहे हैं तो जो सर्कमफ्रेंस बनेगी ये वाला पार्ट बनेगा सर्कल, और सर्कल की सर्कमफ्रेंस मीन्स ये कितनी बनेगी हमारी 150
54 बिकॉज इतना पार्ट हमारा जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 77, देन 11 टूज था 22 एंड 11 सेवन था 77। सो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 49 एंड देन ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो आर टू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 49/2। तो पुट कर दो वैल्यूज यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल होने वाला है। आर वन कितना है हमारा 7/2, ठीक है, सॉरी आर वन है हमारा 7/7 इंटू एच वन, इसकी हाइट कितनी बन जाएगी हमारी सिलेंडर की 155, जब इसको फोल्ड करेंगे ठीक है तो हाइट इसकी 155 बन जाएगी। और आर टू कितना है हमारा 49/2 इंटू हाइट कितनी है इसकी 45। इस पार्ट को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इसकी रेशियो आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते 34th के और पार्ट पर। नंबर 34th क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है, शोन बिलो इज अ सिलेंडर प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर। एक सिलेंडर को हमने एक क्यूबिकल कंटेनर के अंदर रखा है, ठीक है, हाउ मेनी सच कैंस कैन बी फिटेड सो दैट नो मोर कैंस कैन बी फिटेड, मतलब इस कैन को कितने कैंस हम इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर रख सकते हैं ताकि कोई भी स्पेस ना बचे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ क्यूबिकल पार्ट, क्यूबिकल की जो हमारी लेंथ होगी वो लेंथ कितनी है P+P, मतलब P+P कितनी आ गई हमारे पास 2P सेंटीमीटर आ गई। लेकिन अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूँ स्मॉल l किसकी, सिलेंड्रिकल कैन की, तो सिलेंड्रिकल कैन की जो हमारी लेंथ है वो कितनी है P सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके दोनों की जो रेशियो आएगी L/L वो कितनी आ जाएगी 2P/P, सो दैट मीन्स ये कितनी आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, इसी तरह से अब बात करते हैं दोनों की ब्रेथ की। सो B1 मान लो हमारे पास जो कैपिटल B है वो किसकी है हमारी ब्रेथ क्यूबिकल की, तो क्यूबिकल की जो ब्रेथ है हमारी वो ब्रेथ हमारी कितनी है यहाँ पे इसकी ब्रेथ, मतलब कि क्यूब की कैसे होती है सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती हैं, तो इसकी जो ब्रेथ आएगी वो भी कितनी आएगी 2p आएगी। लेकिन जो सिलेंडर की हमारी ब्रेथ बनेगी वो सिलेंडर की हमारी जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, ये होगी ब्रेथ, ठीक है, दैट मीन्स कितनी होगी P/2 होगी। अच्छा, तो इसको मैंने डिनोट किया स्मॉल बी से, तो मेरे पास कैपिटल बी बाय स्मॉल बी की जो रेशियो है वो कितनी आ जाएगी 2p/p/2, मीन्स 2 × 2 कितना आंसर आ गया हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, लेंथ की रेशियो निकल गई, दोनों की ब्रेथ की रेशियो निकल गई, ऐसे ही अगर हम हाइट की रेशियो निकालें तो क्यूबिकल की तो हाइट कितनी रहने वाली है, वही 2p रहने वाली है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हमारी इक्वल होती हैं। इसी तरह से जो स्मॉल एच निकलेगा सिलेंडर का वो हमारी हाइट कितनी है सिलेंडर की, अगर हम स्मॉल एच की बात करें हमारे पास तो हाइट भी हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से P/2। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, कैपिटल एच बाय स्मॉल एच कितना आएगा 2p/p/2, पी से पी कैंसिल 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। सो अब हम लगा सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ की रेशियो दोनों की कितनी आई है 2 आई है, ब्रेथ की कितनी आई है 4 आई है, और हाइट की कितनी आई है, हाइट की भी हमारी कितनी आई है 4 आई है। ठीक है, सो यहाँ से यानी कि कितना हो गया 4 × 4 = 16 टोटल कितने कैंस फिल कर सकते हैं हम 32 कैंस फिल कर सकते। ठीक है जी, अब आगे उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ कैन इज 539 ml देन फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर। अगर एक कैन का जो वॉल्यूम है वो 539 है तो 32 टैंक्स का अगर हम निकाल दें तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है 539 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 32 से, तो आपका किसका वॉल्यूम निकल जाएगा पूरे क्यूब का। ठीक है जी, आगे बात समझ, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल आपको मेन निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, उन्होंने कहा है अ कार असेंबली असेंबल्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स, कि कार असेंबली है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स असेंबल करती है डिपेंडिंग अपॉन द नेबरिंग डिमांड, डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हुए वो एवरेज नंबर ऑफ कार्स एक दिन में असेंबल करती है। 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स का हमें डेटा दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट 33 डेज में कितनी कार असेंबल हुई है 0 से 4, देन नेक्स्ट 18 डेज में 4 to 8, देन 21 डेज में 10, तो ये टोटल हमारे 90 डेज है, मतलब 3 मंथ्स का हमें डेटा गिवन है।
हमें बताना है ऑन एवरेज कितना जो है वो कार्स असेंबल हो रही है पर डे। जो जहां भी एवरेज की बात आ जाती है वहां हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मीन। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, आई थिंक ये क्वेश्चन तो करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आप एक्स आई निकाल सकते हो इस वाली वैल्यू से, मिडल वैल्यू करके जैसे आप निकालते हो आपको बहुत अच्छे से आता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक्स आई और ये हमारा क्या दिया हुआ है डेटा इसका एफ आई का। तो एफ आई का टोटल आपको कितना दिया हुआ है 90 एंड जो आप वैल्यू उस साइड निकालते हो वो वैल्यू मैं इस साइड फाइंड आउट कर रही हूँ, मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई, मीन्स इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 66, देन 18 6 का 1108, 21 को 10 से 2110 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 14 1 का 14 1, इट्स विल बी 154 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 126, ठीक है। सो मीन निकालने के लिए आप इसका भी टोटल करते हो तो इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 664। तो मीन आ गया हमारे पास मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, दैट मीन 664 इज डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास 3 सेट, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है कि अगर डिमांड डबल हो जाए तो बताओ कितनी कार्स ऑन एवरेज हमें एक दिन में असेंबल करनी पड़ेगी। ये हमारा क्या निकला है मीन, क्या निकला है मीन का मतलब कि एक दिन में कितनी कार ऑन एवरेज आपको असेंबल करनी चाहिए सो दैट कि आप डिमांड को मीट कर सको। अगर डिमांड डबल हो जाएगी तो यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ कार्स असेंबलिंग है वो भी हमें डबल करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 14.74, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपसे उन्होंने एक पॉइंट और पूछा है इस क्वेश्चन का, उन्होंने पूछा है कि जो हमारी मीन वैल्यू है वो बताओ किस रेंज में लाई करती है। जैसे मीन में हमारे पास ऑन एवरेज कितनी कार्स असेंबल होनी चाहिए 7, हमें वो नंबर ऑफ डेज बताने हैं जिसमें 7 से कम कार असेंबल हो रही है। आप देख रहे हो कि जो ये 7 है ये हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब इन दिनों में तो इससे ज्यादा ही कार्स असेंबल हो रही है 7 से ज्यादा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फर्स्ट 33 डेज में 7 से कम कार असेंबल हो रही है, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट 33 डेज, पहले 33 डेज में जो नंबर ऑफ कार असेंबलिंग है वो 7 से कम है, सो इसीलिए हमारा आंसर कितना आ गया 33 डेज, ठीक है। आगे बात समझ में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सेक्शन नंबर ई। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल।